आओ भाई आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि कब हमारे नमूने स्टूडेंट आए फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करूं। और सच बताऊं ना तो ये लेक्चर तो भाई मुझे कसम से याद रहने वाला है। मेरा सबसे अच्छा लेक्चर का टाइम है आज का, ये सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई इंजीनियरिंग के इतिहास में पहली बार कोई कॉलेज के एरे गेरे प्रोफेसर के अलावा हम पूरा सिलेबस फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ 1.5 घंटे में कंप्लीट कर चुके होंगे ये वीडियो के ख़त्म होते ही। और वो भी इस तरह से भाई पूरी दिल जुबानी आपको पूरा चैप्टर याद रटा हुआ हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अब तो बिना ज़्यादा देर करते हुए चालू करते हैं आज की ज्ञान की गंगा को बहाना। और बार बार बताना ना पड़े दोस्तों, ईयरफोन डाल लियो कान में। हाँ तो भैया, पिछली बार हमने जो कहा था कि इंट्रोडक्शन का जरा सा पोर्शन अभी बाकी है तो उस पोर्शन को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है देख ली, वो कैसे शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है, उसके क्या टाइप्स होते हैं वो देख लिए। तो अब क्या बाकी रह गया? तो ये बाकी रह गया कि जिन मटेरियल के ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने वाले हैं उन सभी की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैकेनिकल में अंदर आप खुद तो हो ही मैकेनिकल वाले, और जो भी आप उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करोगे उस प्रोसेस की वजह से मटेरियल की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो भैया फेर आएगा। वो शांति से बैठ नहीं सकता आपका मटेरियल, उसमें एक प्रोसेस किया नहीं कि उसके अंदर कुछ फेर आया नहीं। तो स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जिनमें फ़र्क आ सकता है। तो भाई पहली तो है भाई स्ट्रेंथ, तो सबसे सिंपल है भाई कि एक्सटर्नल लोड लगाऊंगा मैं मटेरियल पे और वो उसे किसी भी टाइप के फेलियर या डिफॉर्मेशन को रिजिस्ट कर लेता है। तो जिस लिमिट तक वो रिजिस्ट करता है वो उसकी स्ट्रेंथ बोलूंगा मैं, कि भाई 500 न्यूटन तक उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आया तो उसकी स्ट्रेंथ मटेरियल के भी 500 न्यूटन तक है। दूसरा है भाई डक्टिलिटी। तो अब ये तो भाई बच्चों का प्रॉपर्टी है भाई कि वायर को खींच खींच के मटेरियल को वायर बना दो तो भाई वो डक्टाइल कहता है। तो उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स लगाने से अगर उसके अंदर दिखाई दे वैसा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए फेलियर होने से पहले बिफोर रप्चरिंग, तो भाई उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी यही नमूने की वजह से आपके मटेरियल को आप वायर बना सकते हो। अब भाई इसके बाद है मेलिएबिलिटी, जो है डक्टिलिटी की बहन या भाई, आपको जो मानना है मान लो। वहां पे हमने देखा था टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे है भाई कंप्रेसिव फोर्स। और मेलिएबिलिटी के अंदर आप कंप्रेसिव फोर्स किसी मटेरियल पर लगाओ और उसके अंदर फेलियर से पहले दिखाई पड़ने वाला परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो भैया वो आपका मेलिएबल मटेरियल कहलाता है। और उसका काम इंडस्ट्री में कहाँ पड़ता है भाई? तो आपका जो शीट है, फॉइल है, घर पे रोटी बनाने के लिए फॉइल होती है ना रोल करने के लिए, वो वाला भी फॉइल ले लो भाई। प्लेट है या फिर पत्रे हो गए आपके घर के छत पे लगे हुए, तो भाई ये सारे रोलिंग प्रोसेस करके हम उन्हें शीट में कन्वर्ट करते हैं या फिर हथौड़े से मार मार के उनको कंप्रेसिव फोर्स लगा के शीट बना देते हैं। बाद में है भाई टफनेस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर आप शॉक लोड मारो, शॉक लोड यानी करंट वाला शॉक नहीं, अचानक से कोई 0 से लेकर 500 न्यूटन का लोड अचानक पड़ जाए तो उसे हम कहते हैं शॉक लोड। इसका ऑपोजिट आता है भाई ग्रेजुअल लोड, कि धीरे धीरे आपके ऊपर फोर्स बढ़ेगा। लेकिन टफनेस जो प्रॉपर्टी है भाई कि डिफॉर्मेशन या फ्रैक्चर के बिना शॉक लोड को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है मटेरियल की, वो उसे हम टफनेस कहते हैं। अब है भाई टफनेस का भाई बहन जो आपको मानना है, बाप पिता जो मानना है मान लो, वो है भाई हार्डनेस। तो हार्डनेस टफनेस का ऑपोजिट कभी कभी निकल ही जाता है। क्यों? क्योंकि हार्डनेस एक ऐसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का जिसकी वजह से मटेरियल को स्क्रैच नहीं लगता, कट नहीं मार सकते आप उसको, एब्रेशन नहीं कर सकते उसमें, यानी किसी भी टाइप का कट नहीं आ सकता, स्क्रैच नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई, तो उसे हम हार्डनेस कहते हैं। अब टफनेस और हार्डनेस में कैसे फर्क करोगे? तो भाई सिंपल, एक ब्लेड ले लो, किसी भी मटेरियल पे घिसो, अगर उस पर स्क्रैच नहीं पड़ा तो भाई वो मटेरियल हार्ड है। बाद में हथौड़ा लेके मारो
अगर वो नहीं टूटा तो वो टफ है, यानी आपने हथौड़ी से उसको मारा तब उस पर शॉक लोड लगा, उसने उसको सहन कर लिया तो वो टफ हो गया, और स्क्रैच मारने की ट्राई की, स्क्रैच नहीं मार पाए तो भाई वो हार्ड हो गया। तो ये दोनों का बेसिक फ़र्क है। अब कई गधे लोग ऐसे बोलते हैं कि डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस के साथ भी सबसे टफेस्ट भी है। भाई वो नेचुरली टफेस्ट नहीं है, उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको टफ बनाया जाता है। बाकी ऐसे भी डायमंड होते हैं जो हार्डनेस तो दुनिया भर की लेके घूमते हैं, भाई हम दुनिया के सबसे हार्ड है, लेकिन एक हथौड़े का झटका पड़ गया तो चूर चूर हो जाते हैं। तो उसे हम हार्ड तो बोलेंगे लेकिन टफ नहीं होगा। तो टफ करने के लिए भी कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है कि जिससे वो शॉक लोड को एब्जॉर्ब कर सके। अब भाई हार्डनेस का कंप्लीटली ऑपोजिट यानी मशीनेबिलिटी, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टी में भी गिना जाता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर आप मशीनिंग प्रोसेस से कितने आसानी से मटेरियल को चिप्स के फॉर्म में रिमूव कर सकते हो, वो आपकी मशीनेबिलिटी प्रोसेस हो गई, मशीनेबिलिटी प्रॉपर्टी हो गई। तो सिंपल लॉजिक है भाई कि जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी उसको आप काट नहीं पाओगे, घिस नहीं पाओगे। तो जिसकी हार्डनेस ज़्यादा है उसकी मशीनेबिलिटी कम है, और जिसकी मशीनेबिलिटी ज़्यादा है उसकी भाई हार्डनेस कम है ऑब्वियसली। अब है भाई ब्रिटलनेस। अब भाई इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी चॉक। उसको जरा सा एक झटका क्या दे दो तो डायरेक्ट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, खट्ट करके टूट जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है कि मटेरियल बिना किसी डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली टूट जाता है फोर्स लगाने पर, उसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस। कि उसको डायरेक्टली फोर्स लगाए तो डायरेक्टली खट्ट करके टूट गया, उसके अंदर कोई भी टाइप का डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन वगैरह कुछ आया ही नहीं, तो वो है भाई ब्रिटलनेस। अब एक बात याद रख लियो भैया कि नेचुरली अगर आप किसी भी मटेरियल की हार्डनेस बढ़ाओगे, बढ़ाते बढ़ाते वो मटेरियल ब्रिटल भी बनता जाएगा, और अगर हार्डनेस कम होगी यानी मटेरियल सॉफ्ट होगा तो उसकी डक्टिलिटी अच्छी होगी और ब्रिटलनेस कम होगी। ये सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे की तरह चिपकू चिपकू करके आगे पीछे घूमती रहती है, इसलिए इनका रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप चाहो तो रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर। हाँ तो भैया लास्ट है भाई इलास्टिसिटी, नहीं लास्ट नहीं, लास्ट सेकंड मान लो चलो। तो इलास्टिसिटी तो भाई अब बच्चों को भी पता है कि इलास्टिक किसे कहते हैं, कि किसी भी मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो गया, अब फोर्स हटाओ तो वापस उसी स्टार्टिंग शेप और साइज में वो आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं इंतजार ही कर रहा कब ये आए और सवाल पूछे, तो मैं इसके सवाल का इस बार तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, अगली बार ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछेगा, देखते इस बार क्या फालतू सवाल लाया ये। सर 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 मैं अलीन बोल रहा हूँ हर बार की तरह। सर इस बार मुझे ये सवाल पूछना है कि आपने इतने सारे यानी ग्रुप तो पाल गए लेकिन एक ग्रुप के अंदर भी इतने सारे अलग अलग प्रोसेस है सर, तो हम फाइनल कैसे करते हैं कि हमें कौन सा प्रोसेस यूज करके हमारा मटेरियल बनाया। यानी चलो मान लो कि मैंने तय किया है कि मैं दो लोहे के टुकड़ों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग तो करूंगा, लेकिन उसके अंदर टेम्परेरी करना है ये भी फिक्स कर लिया, लेकिन टेम्परेरी में क्या करूंगा, या फिर परमानेंट करना तो परमानेंट में कौन सा करूंगा, वेल्डिंग ब्रेजिंग सोल्डरिंग, तो उसके लिए ऐसे के लिए कुछ स्टैंडर्ड या कुछ रूल हो तो बताओ ना सर कि हमें इजी हो कि कौन सा प्रोसेस सिलेक्ट करना है या फिर किस बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट करना है, हमें समझ पड़े थोड़ा। हाँ तो भैया हमारे नमूने स्टूडेंट ने अभी अभी जो फालतू सवाल किया कि इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से हमें कौन सा यूज करना है, यानी कि ये तो चलो पता है कि ज्वाइन करना है तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाओगे, शेप चेंज करना है तो शेपिंग प्रोसेस में या मशीनिंग प्रोसेस में जाओगे, लेकिन उनके अंदर भी जो इतने सारे हैं उसमें से हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो भैया उसके लिए कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उन स्टैंडर्ड का नाम है भाई कंडीशन अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अफेक्ट करने वाली कौन सी कंडीशन है, इन कंडीशंस के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे और किसको लात मार के फेंक देंगे। तो सबसे मेजर भाई तीन ही फैक्टर या कंडीशन हम कहते हैं। पहली तो है भाई रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस। तो जब भी कोई मटेरियल किसी भी प्रोसेस से, यानी आप कोई भी प्रोसेस उस पर कर लो भाई, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ स्ट्रेस जनरेट होते हैं। अब ये स्ट्रेस
उसकी प्रॉपर्टीज में बहुत गड़बड़ घोटाला करते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हम जो प्रोसेस करने वाले हैं उससे कितना रेसिडुअल स्ट्रेस आएगा और कैसा रेसिडुअल स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल आएगा, कंप्रेसिव आएगा, शियर वाला आएगा, क्योंकि जो रेसिडुअल स्ट्रेस आएगा वो हमारा फायदा भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। इसलिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि रेसिडुअल स्ट्रेस कौन सा आने वाला है उससे। बाद में भैया रिक्रिस्टलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो उस इन शॉर्ट दूसरा उसका नाम रिक्रिस्टलाइजेशन का टेम्परेचर। तो कोई भी मेटल वर्किंग प्रोसेस करो या फिर वेल्डिंग कर लो या कुछ भी कर लो, तो मेटल के ग्रेन के अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है। डिफॉर्मेशन यानी मैंने आपको कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में समझाया था पिछले लेक्चर में कि कोल्ड वर्किंग में हमारी ग्रेन स्ट्रेच हो जा रही थी और हॉट वर्किंग में वापस पहले जैसी आ रही थी। तो वो जो टेम्परेचर पे पहले जैसी आ जाती है वो है भैया हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद भाई आपके रेसिडुअल स्ट्रेस गायब हो जाते हैं। तो आपने एक प्रोसेस कर दिया, अब उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं थी, अब उसको हटाना है रेसिडुअल स्ट्रेस को, तो क्या करोगे? तो भैया उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जाओ, ऐसी कोई प्रोसेस करना पड़ेगा। अब तीसरा जो है भैया वो है हमारी ग्रेन ग्रोथ। तो रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो लोअर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हो तो मेटल के जो ग्रेन्स हैं उनका साइज बढ़ने लगता है, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं ग्रेन ग्रोथ। अब भैया ये ऐसा क्या धार हैंडपम्प उखाड़ लेता है जो इसको ध्यान में लेना पड़ता है? तो मटेरियल साइंस और मेटलर्जी के अंदर पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लास्ट सेकेंड या थर्ड टॉपिक के अंदर ग्रेन साइज का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर होता है, ऐसा करके एक छोटा सा टॉपिक आता है कि भाई ग्रेन बड़ी हो गई तो क्या होगा, ग्रेन फाइन हो गई तो क्या होगा। इसलिए भैया ये ग्रेन ग्रोथ भी हमें ध्यान में रख के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। चलो अब देख लेते हैं, कभी इतना आ ही गए आगे तो थोड़ा और डिटेल में घुस जाते हैं ताकि एग्जाम में कोई पूछ ले तो आप रो रो नहीं कि भाई हमको तो ऐसा आता नहीं। तो इन तीनों पैरामीटर या कंडीशन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे क्या इफेक्ट होता है इनकी वजह से, वो हम देखते हैं। तो पहले तो भैया रेसिड्यूअल स्ट्रेस की बात करते हैं। तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस अगर आपके मटेरियल में आ गया तो भाई उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है और फटीक सहन करने की प्रॉपर्टी है उनमें फेरफार आ जाएगा। अब वो भाई डिपेंड करता है कि कौन सा रेसिड्यूअल स्ट्रेस आया है और कितना आया है। इसकी वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, और फटीक बिहेवियर भी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा रेसिड्यूअल स्ट्रेस अंदर आया है। इसके बाद भाई कि उसके डायमेंशन में चेंज आ सकता है, उसका डिफॉर्मेशन हो सकता है, और ये भैया बहुत ही खराब बात है, इसलिए रेड करके खास ध्यान रखना दिमाग में कि आपको जो पार्ट का डायमेंशन चाहिए वो आपका रेसिडुअल स्ट्रेस की वजह से बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। बाद में भाई इससे तो 100% गारंटी कि रेसिडुअल स्ट्रेस आपके मटेरियल में अगर रह गए तो आपके पूरे मटेरियल में क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के पहले ही वो फेलियर हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्री मच्योर फेलियर या रप्चर। तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपके भाई मटेरियल की कैपेसिटी 500 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ सहन करने की, लेकिन ये तो 100 किलो न्यूटन पे फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भैया रेसिडुअल स्ट्रेस थे, और सबसे खास बात उसकी सेफ स्ट्रेस लिमिट बदल जाएगी कि कितने लिमिट के अंदर वो सेफ वर्किंग कंडीशन में रहेगा वो पूरी बदल जाएगी। यानी मान लीजिए आपने नक्की किया है कि 0 से लेकर 200 न्यूटन तक इसकी सेफ स्ट्रेस की लिमिट है, लेकिन भैया रेसिड्यूअल स्ट्रेस आने की वजह से वो लिमिट हो गई 0 से 100। अब आप तो इसी चक्कर में है कि 200 तक आपका सहन कर सकता है और आपने 120 पे पहुंचा दिया लोड, तो टूट गया आपका मटेरियल और वहां पे किसका सर्वर फूट गया एक्सीडेंट से, फिर भरो पैसे उसके तुम लोग अपनी जेब से। और लास्ट भाई कि ऑब्वियसली इन सबका कंबाइंड कि आपके मटेरियल की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी और उसकी सर्विस लाइफ कम हो जाएगी। ये इन शॉर्ट इन सबका कंक्लूजन आप मान लो। अब भाई दूसरा था अपना रिक्रिस्टलाइजेशन, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे भाई आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है और डक्टिलिटी भी वापस आ जाती है, रेसिड्यूअल स्ट्रेस निकल जाते हैं, यानी ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्रैक आ रहे थे, पहले टूट जा रहा था, डायमेंशन बदल जा रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम आएगी नहीं रिक्रिस्टलाइजेशन करने से।
और मटेरियल आपका लेकिन थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट होने की वजह से उस पर फोर्स लगने की वजह से वो बहुत ही आसानी से डिफॉर्म हो सकता है। ये हमारे फायदे में भी हो सकती है बात, नुकसान में भी हो सकती है। फायदे में कब होगी, जब आपको उसको किसी भी मेटल वर्किंग ऑपरेशन से अब पास करना है, तो भाई सॉफ्ट हो गया तो इजीली मेटल वर्किंग कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसको आपको हार्ड बनाना था तो आपके काम से उल्टा हो गया है, तो आपको तब नुकसान हो जाएगा। अब तीसरा है लास्ट भाई, ग्रेन ग्रोथ। तो ग्रेन ग्रोथ ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, तो ग्रेन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया यानी कोर्स ग्रेन आ गई, तो भाई आपके मटेरियल की हार्डनेस कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैंने कहा था हार्डनेस का ऑपोजिट है मशीनेबिलिटी, तो हार्डनेस कम हुई तो मशीनेबिलिटी बढ़ गई, तो आपको मशीनिंग प्रोसेस करनी हो आगे तो आप ग्रेन ग्रोथ करा सकते हो जानबूझ के। लेकिन हार्डनेस चली गई, मशीनेबिलिटी बढ़ गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रिटलनेस कम होगी, ये बात बहुत ही ध्यान में लेने जैसी है, क्योंकि मैंने कहा था हार्डनेस बढ़ेगी ब्रिटलनेस बढ़ेगी, हार्डनेस घटी ब्रिटलनेस भी घटी। और भैया टेंसाइल यील्ड और फटीग स्ट्रेंथ जो है वो भी कम हो जाएगी ग्रेन ग्रोथ होने की वजह से। लेकिन अगर आपकी ग्रेन का साइज छोटा होता है तो इन सब का इफेक्ट उल्टा हो जाएगा, यानी हार्डनेस बढ़ जाएगी, मशीनेबिलिटी कम हो जाएगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, टेंसाइल यील्ड और फटीग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर ग्रेन का साइज कम होता है तो। लेकिन बढ़ता है तो ये वाले भाई वही इफेक्ट रहेंगे। ये कौन नया नमूना आ गया, पहले ही दोस्त फालतू स्टूडेंट ऐसे फालतू सवाल कर सकते, अब ये कौन नया आ गया दिमाग खराब कर रहे हैं, देखते हैं। बीप बीप, हेलो सर, मैं बोरोबोट बोल रहा हूँ। सर अभी तक का लेक्चर बहुत ही अच्छे से जा रहा था, सब समझ भी आ रहा था, लेकिन अब मुझे भी एक डाउट आ गया है। सर डाउट ये है कि ये जो तीन कंडीशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन, रेसिड्यूअल स्ट्रेसेस और ग्रेन ग्रोथ, चलो मान लिया कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन पर डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे पैरामीटर हैं कि जिन पर ये तीन डिपेंड करते हैं तो फाइनली हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, तो वो पैरामीटर्स जरा समझा दो ना सर। वाह भाई वाह, पहली बार किसी ने कुछ ढंग का सवाल पूछा है जिसे मैं एज ए इंजीनियर बहुत ही गर्व के साथ समझा सकता हूँ कि इंजीनियर को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भैया उसने पूछा है कि जिन तीन पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं तो वो भी तो किसी पे डिपेंड करते हैं, तो चलो देखते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस नीचे दिए गए फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई, कि पहला रेसिड्यूअल स्ट्रेस ऐसी कंडीशन है आपके मटेरियल की जो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी आपने आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितने टेम्परेचर पे किया है उस हिसाब से भाई आपके रेसिड्यूअल स्ट्रेस आएंगे। अगर आपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे किया है तो जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा रेसिड्यूअल स्ट्रेस होगा, और रिक्रिस्टलाइजेशन से ऊपर होगा तो फिर भैया फिर तो रेसिड्यूअल स्ट्रेस का नामो निशान आपको नहीं मिलने वाला। और अगर किसी पार्ट के अंदर रेसिडुअल स्ट्रेस है, आप उसे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के जस्ट नीचे उसे हीट करते हो तो वो सारे स्ट्रेस इजीली आप रिमूव कर सकते हो। अब भैया रिक्रिस्टलाइजेशन तो ये डिपेंड करता है हमारे ग्रेन के साइज पे, ग्रेन साइज जितना बड़ा हो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उतना कम होगा और वाइस वर्सा। बाद में भैया कि डिजॉल्व इम्प्योर एलिमेंट कितने हैं, डिजॉल्व एलिमेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऊपर जाएगा, और कम होंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर नीचे आएगा, यानी उतना जल्दी आप रिक्रिस्टलाइजेशन कर पाओगे जितने डिजॉल्व एलिमेंट्स कम होंगे। और फिर आपने डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क कितना किया है, यानी उसको कितनी बार तोड़ मरोड़ के जोड़ के यानी मेटल वर्किंग किया है उसके ऊपर, जितना ज़्यादा मेटल वर्किंग होगा उतना जल्दी वो रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। उसको कितने टाइम तक आपने हीट किया है, अगर आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे भी ज़्यादा देर तक हीट करते हो तो भी भाई आपके स्ट्रेस निकल सकते हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन का काम हो सकता है। और भैया ये अनीलिंग प्रोसेस अगर आपने किया हो तो उसका क्या टेम्परेचर था, क्योंकि भैया
रिक्रिस्टलाइजेशन रेसिडुअल स्ट्रेस के लिए करते हैं, और रेसिडुअल स्ट्रेस खुद भाई टेम्परेचर का लेके बैठा, यानी टेम्परेचर का ही शपथ लेके बैठा कि टेम्परेचर के ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ। तो इन शॉर्ट रिक्रिस्टलाइजेशन भी भाई टेम्परेचर और टाइम से रिलेटेड ही है। और लास्ट है भैया अपनी ग्रेन ग्रोथ। तो ग्रेन ग्रोथ तो सबसे पहले डिपेंड करती है भाई डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज में, कि आपके मटेरियल में इम्प्योरिटी कितनी घुली मिली हुई है, बाद में आपके मेटल में कितनी डिफॉर्मेशन की गई है, आपके मेटल में मटेरियल में कितने एलोइंग एलिमेंट्स आपने घुसेड़े हुए हैं, वो उस हिसाब से भी ग्रेन ग्रोथ बदल सकता है। और आपके मटेरियल में कितने रेसिडुअल स्ट्रेस है, रेसिडुअल स्ट्रेस जितने ज़्यादा होंगे ग्रेन ग्रोथ उतना कम होगा। आपने हीट ट्रीटमेंट कितने टाइम तक किया, अब आप ध्यान दोगे भैया तो आपको पता चलेगा कि ग्रेन ग्रोथ और रिक्रिस्टलाइजेशन की जो ये आप फैक्टर्स देख रहे हैं वो बिल्कुल घुलते मिलते आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस लिखने का तरीका बदल दिया है। पहले था भाई डिजोल्ड एलिमेंट्स, बाद में हो गया डिजोल्ड इम्प्योरिटी, डिग्री ऑफ कोल्ड वर्क तो हो गया डिफॉर्मेशन इन मेटल, एलोइंग एलिमेंट्स का प्रेजेंस वो भी डिजोल्ड एलिमेंट्स में ही आ जाता है, टाइम फॉर हीट ट्रीटमेंट, टाइम फॉर विच मेटल इज हीटेड, ये भैया सब एक जैसा घुली मिली भगत है इन तीनों की। और ये एक एक्स्ट्रा आता है भाई कूलिंग रेट, कि आपने मेटल को हीट ट्रीटमेंट करते हुए गर्म तो कर दिया भाई, लेकिन उसे ठंडा कैसे कर रहे हो, हवा में ठंडा कर रहे हो, तेल में डुबकी मरा मरा के ठंडा कर रहे हो, पानी का शावर देके ठंडा कर रहे हो, या भाई कंप्रेस एयर से ठंडा कर रहे हो। जिससे ठंडा करोगे वैसे आपको अलग कूलिंग रेट मिलेगी, और कूलिंग रेट जितनी ज़्यादा होगी भाई उतने आपके ग्रेन ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो भैया इस बार तो बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नाचो भाई तुम लोग, तो ताली बजाओ अपने आप को, गाली तालियों से अपने आप को शाबाशी दो कि एक पूरा चैप्टर आपने 1.5 घंटे से भी कम टाइम में कंप्लीट कर लिया। और हर बार कहना नहीं पड़ता भाई पीपीटी लेनी है तो लिखा है भाई, अब स्क्रीन में पढ़ लो। और इसी टाइप का, इसी ज्ञान की गंगा में हाथ धोने हो तो भाई उस लाल बटन पर हवस निकाल दो और आ जाइए अगली बार।